Okay, welcome once again on platform of URPD Education, where you are getting the regular updates related to various posts which are declared for jobs. This one is related to Haryana, uh, you know, Assistant Engineer job in Haryana government. Let me tell you, this is only for domicile of Haryana. So this job is not for other uh, state students, only for Haryana, and the criteria is Gate 2021. ट टू जीरो टू वन विद गुड स्कोर गुड रैंक यू कैन अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट दैट मीन लास्ट ईयर आपको अगर आपने निकाला है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं एंड आई थिंक थर्टी फर्स्ट मार्च इज द लास्ट डेट सो लेट्स गो फॉरवर्ड एंड रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर दैट इज इलेक्ट्रिकल इन हरियाणा पावर यूटिलिटीज दैट मीनस एच वी पी एन एल यू एच बी वी एन एल एंड डी एच बी वी एन एल

कौन कौन सी ऑर्गेनाइज हैं हरियाणा पावर यूटिलिटीज हैं हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड देन हरियाणा उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड सो ये सारी हरियाणा पावर यूटिलिटीज़ हैं और असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट है जिन्होंने गेट 2021 निकाल रखा है और कुछ क्राइटेरिया है जो फुलफिल करते हैं 62 पोस्ट हैं जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा नंबर है और ये डबल नंबर टू टाइम्स लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे यहां पे क्लियरली लिखा है हरियाणा डोमिसाइल होना चाहिए दैट मीन आप हरियाणा के होने चाहिए टू गेट दिस पर्टिकुलर जॉब एंड आपके पास मेट्रिकुलेशन हिंदी में होना चाहिए या संस्कृत में अप टू मेट्रिकुलेशन आपके पास होना चाहिए ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इसके अंदर है और उसके बाद इसने सीट्स का डाइवर्सिफिकेशन दे रखा है कौन सी सीट कितनी कहां पे है Uh, मेरे को लगता है आपके लिए बहुत रेलिवेंट नहीं है लेकिन ओवरऑल सीट्स जितनी हैं वो आपको पता होनी चाहिए ओवरऑल सीट्स किस में कितनी इन्होंने दे रखी है रिजर्वेशन रिलैक्सेशन कंसेशन किस कैटेगरी के बेस पे मिलेगा वो इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि कैसे इनको रिलैक्सेशन और कंसेशन uh, मिल सकता है पर्सन विद डिसेबिलिटीज सारे का सारा अगर कोई निगम या कॉरपोरेशन कैंडिडेट है तो ऑलरेडी जॉब में है तो उसको भी कुछ रिजर्वेशन यहां पे मिलेगा उसको भी कुछ बेनिफिट हो सकता है एंड एक्स सर्विसमैन को क्या बेनिफिट है अगर आप एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में हैं तो आपकी एज रिलैक्सेशन वगैरह यहाँ पे मिल, मिल सकता है आपको तो आप उसमें अकॉर्डिंगली अप्लाई कर सकते हैं अब किस रैंक तक अप्लाई करना चाहिए अगर आपको लगता है कि आपका रैंक अच्छा है गेट स्कोर अच्छा है तो आपको मेरे को लगता है अप्लाई कर देना चाहिए क्योंकि चांस बन जाता है अगर उनको नहीं मिलेंगे कैंडिडेट हरियाणा के तो आपको ये जॉब लगने के चांस हैं जैसे जो बच्चे नेटी वगैरह में जाते हैं उस स्कोर के इक्वलेंट यहाँ पे जॉब लग जाती है तो थम रूल यही है कि उस स्कोर के इक्वलेंट जॉब लग जाती है और आपकी एज जो है वो 42 टू ईयर्स तक होनी चाहिए तो एज लिमिट इन्होंने ज़्यादा दे रखी है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो एज के हिसाब से है और लास्ट डेट जो है वो थर्टी मार्च है फॉर्म्स मेरे ख्याल से निकल गए हैं और लास्ट डेट थर्टी मार्च है एज में रिलैक्सेशन इन्होंने मेंशन कर रखा है आपको अगर पर्टिकुलर कैटेगरी में है तो देख सकते हैं कि आपको कितनी एज तक रिलैक्सेशन है पर बिल्कुल लगता है बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है जो फाइनल ईयर में बच्चे हैं वो इस एग्जाम को लिख सकते हैं एज पर दम लेकिन उनकी कैंडिडेट जो फाइनल ईयर सेमेस्टर इसेंशियल क्वालिफिकेशन जिनके पास इकतीस मार्च तक है वो भर सकते हैं लेकिन ऑब्वियसली इक्कीस का इन्होंने मांगा है गेट स्कोर तो 21 का गेट स्कोर जिसके पास है अब एक केस ये बन सकता है कि 21 का गेट स्कोर उसने थर्ड ईयर में लास्ट ईयर लिखा था एग्जाम थर्ड ईयर में आपने लिखा है और अभी आप फाइनल ईयर में हैं तो 31 मार्च तक आपके पास वो एलिजिबिलिटी सारा क्राइटेरिया होना चाहिए सिलेक्शन प्रोसेस जो होगी जैसे मैंने आपको बताया कि आपको गेट के बेस पे होगी और गेट के साथ साथ आपको कुछ वेटेज जो है वो

तो अकॉर्डिंगली सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड भी एक क्राइटेरिया है जो इन्होंने यहाँ पे सिलेक्शन के लिए फिक्सअप किया हुआ है सिलेक्टेड uh, जो uh, 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 जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट है वो डबल लोगों को ये बुलाएंगे और जिनको वेरिफिकेशन और चेकिंग डॉक्यूमेंट के लिए बुलाएंगे तो डबल नंबर को बुलाएंगे और उसके बाद ये फाइनली जॉब ऑफर करेंगे जिनको ये सारा सूटेबल कैंडिडेट हैं अब इसमें जो आपकी अमाउंट ऑफ फ़ी है वो फाइव हंड्रेड है मेल की और फीमेल की एक सौ रुपया है तो आप ये भर सकते हैं अगर आपको लगता है आपका रैंक उस कैटेगरी में है तो आप इसको भर दें कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन है जिसको गो थ्रू करें डिटेल में आप थोड़ा सा देख लें इसको और इसको ऑनलाइन ही फॉर्म को भरना है आपने फॉर्म में क्या क्या चीज़ होना चाहिए वो सारा यहाँ पर मैंशन किया है डॉक्यूमेंट्स uh, क्या क्या चाहिए औरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं उस टाइम पर लेकिन अप्लाई करते टाइम हाउ टू अप्लाई इस सेक्शन पे आप डिटेल में जाएं आपको अप्लाई कैसे करना है तो आपको सारी एप्लीकेशन पढ़नी है एंड अकॉर्डिंगली आपको अप्लाई करना है 31 मार्च तक लास्ट डेट है अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप योर पीडिया के सौरभ सर मेंटर हैं उनसे आप डिस्कस कर सकते हैं क्या कैसे इसको करें हम कैसे इसको भरें और कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं ये क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स का कि हम डॉक्यूमेंट को कैसे अपलोड करें तो ये उन्होंने सारा दे रखा है कि डॉक्यूमेंट अपलोड कैसे करना है वेरिफिकेशन के टाइम पे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए गेट्स स्कोर चाहिए सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया उसका डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो सारा आपको वेरिफिकेशन के पास क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास लाने चाहिए ये इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं पाँच मार्च से ये स्टार्ट हो गया है ऑनलाइन एप्लीकेशन और इकतीस मार्च तक ये आप इसमें भर सकते हैं सो so ये सारा डिटेल है बाकी उन्होंने नीचे सर्टिफिकेट्स uh, uh, जिनके फादर की डेथ हो चुकी है जो सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया में आएगा कैसे वो सर्टिफिकेट होने चाहिए वो सारा उन्होंने भरा हुआ है सो इफ़ यू आर फ्रॉम हरियाणा एंड अगर आपको लगता है गेट स्कोर 2021 आपका ठीक है 31 मार्च तक आप भर दें एंड uh, कुछ क्राइटेरिया 80 परसेंट गेट है 20 परसेंट सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया है उसको डिटेल में देखें देर इज़ नो इंटरव्यू अगर आपको लगता है आपका गेट स्कोर अच्छा है तो आप भर दो गेट स्कोर अच्छा मीन जनरल कैटेगरी में अगर आपको लगता है आपका 700 प्लस गेट स्कोर है चांस ले लो आप भर सकते हो उसको एंड गर्ल कैंडिडेट इवन लोअर पे भी आपको चांस मिलने के वो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को आप आ, को इसको भरना है उन्होंने क्राइटेरिया उसमें दे रखा है सो जस्ट फिल दिस फॉर्म एंड इज देर एनी कन्फ्यूजन तो आप आ, आ, मेंटर से यूरोपी के मेंटर से आप डिस्कस कर सकते हैं थैंक यू